Hi everyone and once again welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माइग्रेन. माइग्रेन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और ये बढ़ता क्यों है. साथ ही हम जानेंगे इसके सल्यूशन के बारे में कि बिना पेन किलर लिए आप अपने माइग्रेन को या नॉर्मल हेडेक को कैसे फटाफट से ठीक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी अबाउट द प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग करेंटली फॉर माई सेल्फ. तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक. एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं माइग्रेन होता क्या है. माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सर के आधे हिस्से में, मतलब कभी लेफ्ट में तो कभी राइट में, तेज दर्द होता है और ये माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से लेकर 3 दिन तक भी रह सकता है. ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसमें कोई भी काम करना असंभव सा हो जाता है, इसलिए इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें. और एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती है. माइग्रेन 30 से 40 की उम्र में होना शुरू होता है, लेकिन आजकल तो माइग्रेन का दर्द बच्चों में भी होना शुरू हो गया है. तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं. इसमें चक्कर आना, वॉमिटिंग सा फील होना, धूप में ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्मेल और फ्रेग्रेंस जो है इनहेल नहीं कर पाते हैं, इसमें नॉइस से भी इरिटेशन होता है, भूख नहीं लगती है, टायर्ड सा फील होता है और विजन भी ब्लर नज़र आता है. तो ये सारे सिम्टम्स माइग्रेन में देखे जाते हैं. इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइग्रेन होने के कारण क्या क्या हैं. माइग्रेन का सबसे पहला कारण है स्ट्रेस. स्ट्रेस में ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है. इसके अलावा इरेगुलर स्लीप, पानी कम पीना, डिहाइड्रेटेड रहना या कैफीन से भी ये दर्द होता है. और इसके अलावा इरेगुलर डाइट होने से भी माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है. कुछ लोग इस दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेन किलर्स के अलग ही साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे आयुर्वेदिक तेल के बारे में डिस्कस करूँगी जिसके इस्तेमाल से आपका कोई भी नॉर्मल हेडेक या माइग्रेन फटाफट से ठीक हो सकता है. तो ये है एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल. ये ऑयल एरोमाथेरेपी पे बेस्ड है. अरोमाथेरेपी एक थेरेपी होती है जिसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है थेरेपी देने के लिए. ये एसेंशियल ऑयल जो है उसमें कुछ खास माइल्ड स्मेल्स आते हैं, ओडर्स आते हैं, जिसकी वजह से नर्व सेल्स एक्टिवेट होंगे, रिलैक्स होंगे और उसके साथ ब्रेन सेल्स काम और रिलैक्स हो जाएंगे. तो इस तरह से ये जो अरोमाथेरेपी है वो इस्तेमाल किया जाता है. अरोमाथेरेपी कई सालों से इस्तेमाल किया जाता है. जब भी आप किसी आयुर्वेदिक सेंटर्स में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी एसेंशियल ऑयल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है आपके पेन्स को ठीक करने में. तो यस, कुछ इसी तरीके से ये एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल है जो आपके कोई भी नॉर्मल हेडेक को या माइग्रेन को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा. तो इसमें 7 अलग अलग तरीकों के एसेंशियल ऑयल को यूज़ किया है, जैसे कि लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, कैजिपुट ट्री ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल, गंधपुरा ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल और जोजोबा ऑयल. इन 7 अलग अलग तरीकों के ऑयल्स को इस्तेमाल करते हुए इस एसेंशियल रोल ऑन ऑयल को बनाया गया है. तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. कांच की बॉटल में रोल ऑन बेस्ड एसेंशियल ऑयल है. सिंपली आपको इसे ऐसे अप्लाई करना है. इसे आपको कब यूज़ करना है, तो जब भी आपको नॉर्मल हेडेक हो या माइग्रेन ट्रिगर हो, माइग्रेन के सिम्टम्स आपको फील हो, तो आप सिंपली इसे ऐसे अपने फोरहेड पे अप्लाई कीजिए, कान के नीचे अप्लाई कीजिए दोनों तरफ और नेक पे पीछे आपको इसे अप्लाई करना है. दिन में 2 बार आपको इसे लगाना है ताकि आपको रिलीफ मिल सके माइग्रेन के प्रॉब्लम से. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू माई ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू अबाउट दिस एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल, क्योंकि ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मुझे हेडेक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कुछ टाइम से. एक साइड पे दर्द कंटिन्यू बना रहता था, तो आई वेंट टू एन आई स्पेशलिस्ट फॉर माई आई चेकअप, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया है इसलिए मुझे हेडेक बना हुआ है. बट डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको माइग्रेन की शुरुआत है, क्योंकि सिम्टम्स में मुझे सिर्फ एक ही था कि मुझे एक पॉइंट पे कंटिन्यू दर्द बना हुआ था और कोई सिम्टम नहीं था. तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप माइग्रेन की शुरुआत है. तो उन्होंने मुझे 3 टैबलेट्स रेकमेंड करी कि आप इसे 1 महीने तक लीजिए कंटिन्यू, तो ये आपका माइग्रेन को कंट्रोल करेगा. बट मैंने वो पेन किलर्स तो ली नहीं, बट देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस माइग्रेन रिलीफ एसेंशियल ऑयल. तो इसे मैंने अप्लाई करना शुरू करा. जब भी मुझे पेन होता था तो मैं इसे अप्लाई कर लेती थी उन रीजन्स पे जहाँ पे ये रिलीफ देगा. तो विद इन 15 to 20 मिनट्स पेन एकदम से कम हो जाता था, पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती थी
एंड ऑटोमेटिकली पेन ठीक भी हो जाता था. तो मुझे अभी तक कोई भी पेन किलर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो यस, ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है. आई होप आपके लिए भी ये एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल यूज़फुल रहे. तो डू ट्राई दिस. सो गाइज, ये माइग्रेन रिलीफ एसेंशियल ऑयल ज़रूर ट्राई कीजिए. नॉर्मल हेडेक हो तो भी आप इसे अप्लाई कीजिए. एटलीस्ट आपको पेन किलर्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है. सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.